हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक अपने नए टॉपिक के साथ। इस बार का टॉपिक बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही डिमांड आया कि सर इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बनाइए। पिछला जितना भी वीडियो मैंने बनाया था आपने बहुत पसंद किया। जिन्होंने भी मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कॉमेंट करें ताकि मैं और किस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दूँ। ये जो मैं अपना चैनल स्टार्ट किया हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस के लिए है, ताकि लोग अवेयर हो सकें कि समाज में क्या चल रहा है और कैसे हम अपने आप को, अपने प्रॉपर्टी को, अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सकें। इस बार का जो मेरा टॉपिक है वो है ISO। ISO होता क्या है? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर ISO एक स्टैंडर्ड है, ISO क्या है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसका फुल फॉर्म ही नहीं याद रहता है कि ISO होता क्या है। तो ISO फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड बनाता है, जो स्टैंडर्ड बनाता है, स्टैंडर्ड फिक्स करता है, ऐसा पैमाना सेट करता है, स्टैंडर्ड ऐसा पैमाना सेट करता है जो वर्सेटाइल हो, सबके लिए अच्छा हो। तो बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक स्टैंडर्ड वो बनाया जाता है। तो ये और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड बनाने का काम करती है, इसीलिए इसे बोला जाता है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड बनाता है, जो स्टैंडर्ड बनाता है उसे हम ISO बोलते हैं। तो अभी आप लोगों को फुल फॉर्म समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इसके पार्ट पे। जनरली आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट देखोगे, कोई भी प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें एक चीज आपको मिलेगा ISO 9001 आपको हमेशा देखने को मिलेगा हर एक प्रोडक्ट पे। ISO 9001 होता क्या है? किसी से पूछो तो मैक्सिमम लोग जो उससे रिलेटेड है, इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनको तो पता है, लेकिन बाकी लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। तो ISO 9000 हमको रिप्रेजेंट करता है, बताता है QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो ऐसा स्टैंडर्ड जो ये बताता है कि ये कंपनी, ये प्रोडक्ट क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, क्वालिटी को मेंटेन करते हुए ये प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में लिखा रहेगा आपको ISO 9001, दैट मीन्स आपको समझना चाहिए कि वो क्वालिटी को प्रोड्यूस कर, क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट हमें देता है, इसलिए उसे हम ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी बोलते हैं, उसे ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसमें ही इसके बाद आता है आपको ISO 14001 है क्या? ये किसको दिया जाता है? तो ISO 14001 हमारा EMS, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कंपनी हमारा एनवायरमेंट को, जो एनवायरमेंट को हमेशा एनवायरमेंट में जो इंपैक्ट पड़ सकता है उसको मिनिमाइज करता है, इंपैक्ट को मिनिमाइज करता है, या उसको जो भी इंपैक्ट हो उसको मैनेज करता है, वो हम क्या करते हैं, उसे ISO 14001 सर्टिफाइड कंपनी बोलते हैं, ISO 14001 कंपनी बोलते हैं। तो ISO 14001 रिप्रेजेंट करता है हमें EMS, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को हमारा वो रिप्रेजेंट करता है, उसे बोलते हैं हम ISO 14001, that means environmental management system। इसके बाद आता है ISO 45001,
ISO 45001 recently 2015 में इसको ये ISO स्टैंडर्ड बना है, रिसेंटली 2015 में ये स्टैंडर्ड बना है। इससे पहले ये क्या था, OSHA 18001 था, ये 18001 ये स्टैंडर्ड नहीं था, 18001 ये स्टैंडर्ड नहीं था, वो जस्ट एक परफॉर्मा था ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, ये हमें एक परफॉर्मा है, परफॉर्मा था। लेकिन इसको क्या किया गया, IS 2015 में ISO 45001 स्टैंडर्ड बनाया गया। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करता है OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। जो कंपनी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है, जितना उसका इम्पैक्ट होता है उसको मिनिमाइज करके चलती है, उसका प्रिकॉशन लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ISO 45001 सर्टिफाइड कंपनी, ISO 45001 सर्टिफाइड कंपनी होती है। इसका एक टर्म होता है कि आपको ईयरली फिर आपको उसका ऑडिट कराना पड़ता है, कि ऐसा तो नहीं कि जो आपने पहले दिखा दिया लेकिन बाद में उसको आप रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर हमेशा इसका आपको सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है, हमेशा उसका ऑडिट कराना पड़ता है। अब बात आती है कि जो कंपनी ISO 45001 ISO 14001 ISO 9001 ये तीनों स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोला जाता है IMS, उसे बोला जाता है IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, उसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। दैट मींस ये तीनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, तीनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, उसे बोला जाता है IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो तीनों को कंबाइन करता है, तीनों को कोरिलेट करता है। होप मेरा वीडियो आपको, जो भी टॉपिक इसमें मैंने आपको बताया हो, आपके लिए यूजफुल है। आप इसको देखें, जितना आप हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि मैं उस अपने आपके लिए जो भी वीडियो बना के लेके आता हूँ और उसको इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच।